गणित की कॉपी चेकिंग में किस तरह से हल करने पर आपका नंबर काट लिए जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग गलत करके आते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर गलत निकाल कर आते हैं, गलत जवाब दे के आते हैं, तो कॉपी चेकिंग में आपका कितना नंबर काटे जाते हैं। अगर आप भी फेल होने से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप फेल नहीं होंगे, आपका नंबर अच्छा आएंगे, आपका नंबर कट नहीं होंगे। तो आइए आप लोग को सब कुछ यहाँ पे बताते हैं, आइए। तो ये रहा गणित की आंसर शीट, यहाँ पे देखिए इस बच्चे की कॉपी चेक करके आपको सब कुछ सिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आंसर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कैसे चेक किया जाता है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि गणित में स्टेप मार्किंग रहता है, यानी अगर आप आधे अधूरे भी सॉल्व करके आते हैं तो आपका नंबर नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। फुल मार्क्स ना दिए जाएंगे, लेकिन आप जितना भी सॉल्व करेंगे, अगर आधा आपका सही है लास्ट में गलत है तो आपको नंबर आधा दिया जाएगा, यानी जीरो नहीं दिया जाएगा। देखिए बहुत से स्टूडेंट का सवाल था कि सर अगर गणित में गलत आंसर आ जाए तो क्या उसका पूरे नंबर काट लेगा या कुछ नंबर दे देगा। देखिए यहाँ पे इस स्टूडेंट ने यहाँ पे अच्छा मतलब सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पे वाई का मान लिखा क्वेश्चन से, डी वाई बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव किया, जो कि गुड, यहाँ तक इसका सही है, ठीक है। तो यहाँ तक सही है तो इसको हाफ मार्क्स दिए जाएंगे, यानी आधा नंबर दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन टोटल टू मार्क्स का है, यानी दो नंबर के क्वेश्चन है, टू अंक के क्वेश्चन है। तो इसको यहाँ से यहाँ जब ये सही कर दिया, ये मान निकाल दिया, तो आधा नंबर यहाँ दिया गया। फिर इन्होंने डी वाई बराबर फॉर्मूला लिखा है, जो कि बिल्कुल सही सही लिखा है। अब यहाँ पे डी वाई का मान ये रखा यहाँ पे, और एक्स बराबर टू रखा है, टू एक्स के मान यहाँ पे टू रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे डेल एक्स का मान लिख दिया है, चूंकि में बहुत अच्छा लिखा है, आप भी लिखिएगा, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे अप्लाई किया है, गुड, यहाँ तक इनका सही है। देखिए फॉर्मूला रख के, यहाँ पे सूत्र रख के आप अप्लाई तक यानी सही सही निकाले हैं, और ये भी इनको जब कैलकुलेशन भी सही है तो ये भी सही है। तो यहाँ जब सॉल्व किया तो फॉर्मूला से लेके इसको एक नंबर इसको दिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आधा नंबर इसको यहाँ मिला और एक नंबर इस यहाँ पे मिला, आधा नंबर फॉर्मूला का और यहाँ पे आधा नंबर सॉल्व करने का। और लास्ट में इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझा दिया गया है कि वाई में इतना इतना की कमी होती है, जिसको बदले इसको हाफ मार्क्स यहाँ दिए जाएंगे। तो इसका एक भी नंबर नहीं काटे गया है, इसको टू में टू मार्क्स टोटल दिए गया, ठीक है। हाफ वन हाफ, तो टोटल टू में टू दिया गया, क्योंकि इनका सब सही सही है। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा, सवाल आता होगा, ठीक है। आप सोचते होंगे कि अगर कोई कहीं पे गलती हो जाए तो आइए देखते हैं, आगे चेक करते हैं, आपको सब कुछ सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी सवाल का इन्होंने जवाब दिया है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन तो बहुत अच्छा लिखा है, बिल्कुल सही सही लिखा है, लेकिन दिया है यानी क्वेश्चन से इक्वेशन लिखा है, चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने मन से ये फॉर्मूला लिखा है, फिर यहाँ से कंपेयर करके यहाँ पे ए का मान निकाला, बी का मान निकाला, सी का मान निकाला, यहाँ तक सही है। तो सही है तो इसको हाफ मार्क्स दिए जाएंगे, ये भी क्वेश्चन टू मार्क्स के हैं, ठीक है। आधा नंबर इसको यहाँ पे दिए जाएंगे। अब बचा यहाँ पे डेढ़ नंबर, तो आधा नंबर इसको फॉर्मूला लिखने का दिए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही सही लिखा है, फॉर्मूला जो है ये बिल्कुल सही सही लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं, सॉल्यूशन तो माइनस थ्री बैठा या माइनस फोर ए सी, गुड। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक कर लिया, माइनस थ्री का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, जूम करके दिखाइए, माइनस थ्री का जब स्क्वायर करेगा तो यहाँ पे प्लस नौ आएगा जी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये गलत हो गया, तो इसके आगे ये मिस्टेक हो गया, तो इसको ये भी कोई काम का नहीं, ये भी मिस्टेक हो जाएगा यहाँ तक, हालांकि सही है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आधा नंबर दिया गया, यानी टोटल दो मार्क्स में से एक नंबर दिया गया, दो नंबर में से इसको एक नंबर दिया गया, ठीक है, यानी एक ही नंबर इसको दिया गया। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका गणित में आधा अधूरा सही है और लास्ट में आंसर गलत आया है, इसका आंसर भी गलत आया है, आंसर गलत आया है तो स्टेप मार्किंग होता है, आपको आधा नंबर दिया जाएगा। इस ये क्वेश्चन टू मार्क्स के हैं, तो यहाँ पे यहाँ तक सही हुआ तो हाफ आप जोड़ के एक नंबर इसको दो में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है, यानी इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन से, ठीक है, फ्रॉम दी क्वेश्चन से लिखा। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया, ठीक है, ये इक्वेशन इस फॉर्म में है तो यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन वन टू मान लिया, समीकरण वन समीकरण दो से यहाँ पे कंपेयर करके ए बी सी का मान निकाल लिया, गुड, बिल्कुल सही सही निकाला है। और फिर यहाँ पे सूत्र भी सही लिखा है, आधा नंबर इसका मिल जाएगा इसको। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ तक सही है, चलिए यहाँ तक सही है तो इसको नंबर दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने आगे सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे लिख के कट कर दिया और अगला प्रश्न का जवाब दूसरा दिया। तो ये क्वेश्चन टू मार्क्स का है, लेकिन इन्होंने इसके आगे सॉल्व नहीं किया तो इसको यहाँ से नंबर नहीं दिया जाएगा,
ठीक। बाकी इसको यहाँ पे अब दो में से एक ही नंबर दिया जाएगा, तो आधा नंबर इसका दे दिया फॉर्मूला का, और यहाँ पे सही है तो आधा नंबर इसको दे दिया, एक नंबर हो गया। अब ये जो लिखा है ये इसी में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुट किया मान, तो इसी में इसको टू में से एक ही नंबर इसको भी दिया जाएगा। अगर ये सही होता, फॉर्मूला लिखा है बिल्कुल सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर कर देता तो फिर इसको दो के दो नंबर दिया जाता, ठीक है। आगे देख लेता है, आगे देखिए इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन तो बहुत अच्छा लिख दिया है, अब यहाँ पर देखिए आप लोग ये मिस्टेक किया है, यहाँ पे प्लस होता और यहाँ भी माइनस होता, यहाँ प्लस या माइनस होता तो सही हो जाता, तो स्टार्टिंग में इन्होंने गलती कर दिया, मिस्टेक कर दिया, इसको जीरो नंबर दिए जाएंगे इसमें से, क्योंकि इन्होंने कुछ भी सही नहीं किया। टू मार्क्स में से अगर आधा भी सही होता तो एक नंबर दे दिया जाता, ये तो क्वेश्चन से लिखा और यहाँ ही मिस्टेक कर लिया, तो इसको जीरो नंबर दिया गया। तो आप लोग अगर गणित का सवाल सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन हल करते हैं गणित का, लेकिन आंसर गलत आ जाता है और सोल्यूशन आपका सही है, तो फिर आंसर गलत का थोड़ी से नंबर कट कर लिया जाए, और अगर आपका सॉल्यूशन सही है, आंसर देने का तरीका सही है, तो आपको 50% मार्क्स दे दिया जाएगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग रहता है गणित में, ठीक है। अगर आपका स्टार्टिंग में ही गलती हो जाता है, गणित के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, शुरू में ही कोई क्वेश्चन मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको कुछ भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि गणित में एक थोड़ी सी अगर माइनस प्लस मिस्टेक कर देंगे तो वो क्वेश्चन पूरी मिस्टेक हो जाता है, समझ रहे हैं। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो एक लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो।